नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के इस वाटरप्रूफिंग के वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा मटेरियल वाटरप्रूफिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाथरूम, किचन, बालकनी, छज्जा, इसके साथ ही टेरेस का वाटरप्रूफिंग कैसे करते हैं, टेरेस स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन का वाटरप्रूफिंग कैसे करते हैं, ये भी आज हम डिटेल देखेंगे। ये एरिया जो है, मैंने अभी जो बताया बाथरूम, किचन, बालकनी, ये एरिया टोटली मतलब डिफरेंट रहता है। इसमें कैसे रहता है, इसकी जो दीवारें रहते हैं वो जनरली ज़्यादातर पानी का इस्तेमाल होने की वजह से वेट रहती है। बाथरूम हो गया, किचन मेनली, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ वाटर लीक होने के चांसेस ज़्यादा है, तो इसका लिए ये यहाँ पे वाटर प्रूफ करना ज़रूरी है। इसमें मेनली क्या है, वह ड्रेन पाइप से पानी मेनली फ्लो होना चाहिए। मेनली कैसा है, अगर वाटरप्रूफिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन मतलब कैसा रहता है, ये अगर हम वाटरप्रूफिंग करेंगे कंस्ट्रक्शन के समय, तो फिर अपने को फ्यूचर में इसमें कुछ तकलीफ नहीं होगा, लीकेज वगैरह नहीं होगा। मेनली ये ध्यान में रखना है कि अगर पानी जो भी है वो मेनली ड्रेन पाइप से फ्लो होना जरूरी है। चार मेन एरियाज है जो मतलब वाटरप्रूफिंग के लिए, फ्लोर, शावर स्प्लैश जोन, सैनिटरी फिटिंग, टायर जॉइंट्स, और नानी ट्रैप और ड्रेनेज पाइप्स। इधर से मतलब कैसा है, लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा है। अभी इसमें मटेरियल क्या क्या यूज़ करते हैं और मेथड्स क्या है। वाटर सील टेप, पीवीसी लाइक टेप रहता है, ये मेनली फिक्चर्स और पाइप के इंसर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। पाइप और फिक्चर लेइंग होते समय इसका यूज होता है। उसके बाद वाटरप्रूफ ग्राउंड, ये मिक्सचर ऑफ सीमेंट कंक्रीट विथ वाटरप्रूफ सॉल्यूशन, मतलब सीमेंट कंक्रीट और वाटरप्रूफ सॉल्यूशन जो भी केमिकल रहे। इसके बाद एक फ्री फ्लोइंग एक्सपांडिंग ग्राउंड, मतलब जो इजीली फ्लो होने वाला जो एक्सपांडिंग ग्राउंड है वो भी यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, जितने भी गैप्स है पाइप से इंसर्ट कॉन्क्रीट और मेसनरी वॉल या फ्लोर्स में, वो तो पूरे गैप भर देता है। ये नॉन श्रिंकिंग और फास्ट सेटिंग मटेरियल है और ज़्यादा चलने वाला भी है और वाटर टाइट सील है। इसमें अभी हम स्केच में आप देख सकते हैं वाटरप्रूफ सील एंड टेप। अभी वाटरप्रूफ को एडवांस प्रभाव मतलब सीमेंटिशियस पॉलीमर बेस्ड वाटरप्रूफ जो रहता है टीम, ये मेनली इससे कोटिंग मतलब वाटरप्रूफ कोट करते हैं। सीमेंटिशियस पॉलीमर बेस्ड वाटरप्रूफ कोटिंग मेनली क्या है, वो हाईली इलास्टिक मटेरियल रहता है और 1 mm थिकनेस तक, मतलब मेनली 1 mm थिकनेस तक दो कोट में, मतलब 1 horizontal 1 vertical ये अप्लाई कर सकते हैं। ये एज पर एक कैसे आता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड पाउडर, मतलब लिक्विड और पाउडर का कॉम्बिनेशन आता है और में इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स किया रहता है। और इसका कैसा है, ब्रश अप्लाई किया रहता है सारे एरियाज में, ब्रश अप्लाई करते हैं स्पेशली शॉवर, अंडर सिंक एक्सेट्रा, और मेनली एक लेयर स्क्रीड का एक लेयर हम लोग अप्लाई करते हैं, मेनली वो सीमेंट का लेयर जो रहता है लेवल पर। इसके बाद जो पाइप्स और नानी ट्रैप्स रहता है वो फिक्स किया रहता है, मतलब सब ब्रिक ब्रिक पैड हमको बार जब लेयर करते हैं तो उस समय उसको हम फिक्स करके पोजीशन में फिक्स करते हैं। विद टाइल्स और अदर बाथरूम फिक्चर्स 48 टू 70 आवर्स हार्डनिंग पीरियड। मेनली टाइल्स और बाथरूम फिक्चर जो रहते हैं वो 2 to 3 days मतलब हार्डनिंग पीरियड के बाद रखते हैं उसको। वाटरप्रूफ सीलेंट कैसा रहता है, इलास्टिक बेस्ड एडिजिव एक्रेलिक सीलेंट है, वो एक ट्यूब में आता है, वो सब एजेस में, कॉर्नर्स में, सिंक्स में, बाथटब में अप्लाई करते हैं। एक्स्ट्रा सीलेंट जो भी रहता है वो फ्लोर लेवल में एजेस में और छज्जाज विंडोज का जो खिड़की का जो छज्जा रहता है, बालकनी जो रहता है उस उधर भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि उधर जनरली ज़्यादातर पानी ज़्यादातर उधर ही लीक होने का चांसेस रहता है। इसमें मेनली क्या है, लो क्वालिटी ऑफ व्हाइट सीमेंट पुट्टी यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये मेनली प्रॉब्लम क्या है, इसका ये
लीकेज का भी ये रहता है और वो गंदा होने का भी ज़्यादा चांसेस है। प्राइमर, इसमें कैसा है, प्रोटेक्शन आफ्टर टाइलिंग और प्लास्टरिंग ऑफ सरफेस। मतलब टाइलिंग और प्लास्टरिंग सरफेस हमें प्रोटेक्शन करने के प्राइमर लगाते हैं। वो जो एक्रेलिक बेस्ड प्राइमर रहता है ये जनरली यूज़ करते हैं। उसके बाद उसको 4-5 घंटे के लिए ड्राई होने देते हैं। प्राइमर मेनली क्या है, स्मॉल गैप और क्रैक्स जो है वो भर देते हैं। कॉमन मिस्टेक, इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स है इसमें हम लोग ध्यान दे रखते हैं। पुअर डिजाइन और फ्लोर प्रिपरेशन, प्राइमरी मतलब ऐसा है फ्लोर लेवल में ध्यान में रखना है कि अनइवन सर्फेसेस वाटर में कलेक्ट तो बाथरूम मतलब फ्लोर का लेवल के ऊपर ध्यान रखना है, नहीं तो उसकी वजह से भी वाटर बाथरूम बालकनी छज्जा में भी जा सकता है। लेवल एकदम फ्लैट रह रहा है और स्लाइट इंक्लिनेशन मतलब जो भी है स्लोप चाहिए, कार ड्रॉइंग की तरफ उसको स्लोप चाहिए। ये इंक्लिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सेल्फ ड्रेनेज का ही काम करता है। और ये फिक्स्चर्स जो रहते हैं ड्रेनेज आउटलेट्स को ये बहुत ही केयरफुली लगाने पड़ते हैं क्योंकि इसी से लीक होने के चांसेस है। सारी जो भी गंदगी है इसको पूरा क्लीन करना पड़ता है। ये सब प्रोसेस शुरू करने से लेयर्स, दो अपोजिट लेयर्स ऑफ प्रॉपर कोट मतलब दो टाइप के लेयर्स जो रहते हैं वो लगाना ज़रूरी है। इसमें कैसा है, कुछ लोग वो पैसे बचाने के चक्कर में टाइम बचाने के चक्कर में सिर्फ एक ही कोट लगाते हैं जिसका कुछ भी फायदा नहीं है। बट टेरेस एरिया ऑफ बिल्डिंग मतलब मेन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिसके ऊपर पूरा नेचर का वेदर का इफेक्ट होता है, क्लाइमेट का इफेक्ट होता है, हीट का इफेक्ट होता है। मानसून मतलब बारिश के सीजन में भी बहुत बड़ा उसका इफेक्ट होता है, तो इसलिए उसके हीट सूर्य का प्रकाश और इसमें पूरा उसके ऊपर अफेक्ट होता है। तो इसके लिए जैसे जैसे रिजिड सरफेस को भी क्रैक्स आने के चांसेस रहते हैं। ना भी आजकल क्या हो रहा है कि कुछ लोग आजकल टेरेस पे भी गार्डन और स्विमिंग पूल बना रहे हैं, वो कैसा है, वो भी एक इशू होता है कि वाटर लीकेज का चांसेस उधर भी रह सकता है। तो इसके लिए इस टाइप का कंस्ट्रक्शन के लिए एक ज़्यादा देखभाल करना ज़रूरी है क्योंकि ये क्योंकि इसमें स्विमिंग पूल है तो पानी आ गया, टेरेस है, गार्डन है, तो उधर भी अपने को पानी का भी जरूरत होता है, तो वहाँ लीकेज का ज़्यादा चांसेस होता है, इसलिए ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी वाटर प्रूफिंग टाइप में टेरेस गार्डन और अदर टाइप का जो स्विमिंग पूल इसका वाटर प्रूफिंग भी बहुत ज़रूरी है। ये दोनों में जो है एक टाइप का वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट लगता है। टेरेस गार्डन, टेरेस गार्डन में जैसे रूट गार्डन, लिविंग रूट गार्डन, ग्रीन रूट, इसमें ब्रिक पैड को बाद ये वाटर प्रूफ क्लियर नहीं होगी किस टाइप ऑफ वाटर प्रूफ क्लियर, लेकिन ये प्राइमरी रूट कंस्ट्रक्शन बेस्ड कॉन्क्रीट ग्राउंड और ट्रेजिंग और पॉलीमर्स यूज करते हैं। ब्रिक पैड करना है तो केयर को भी करना है। इसमें देखा है स्केच में देखिए सोर्स ऑफ वेदरिंग सॉइल फ्लैट लेवल ग्रोइंग मीडियम फिल्टर शीट ड्रेनेज लेयर प्रोडक्शन लेयर वाटर प्रूफ कंस्ट्रक्शन। टेरेस गार्डन में कैसा, एक 30 mm का फोल्ड शील्ड यूज करते हैं, उसमें सैंड सीमेंट फॉर्म मिक्स किया रहता है। लेयर टू में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी रूफ सीलेंट रहता है लिक्विड एडिजिव का सॉल्यूशन के ऊपर रहता है उसको भी रखना जरूरी है। ये मेनली हाईली इलास्टिक मेम्ब्रेन फॉर्म होता है। लेयर थ्री में जियो टेक्सटाइल फैब्रिक है, वो पानी को मिट्टी से या सॉइल से अलग करता अलग रखता है और मेनली इसके लिए मिट्टी बह के नहीं जाती है। चौथा है कॉन्क्रीट स्क्रीड, इसमें कैसा है, कॉन्क्रीट सीमेंट का एक स्मूथ लेयर अप्लाई किया जाता है सीमेंट सैंड का 1:2, 1:1, इसमें स्लोप 1:100 मतलब ड्रेन की तरफ 1:100 का स्लोप दिया जाता है जहाँ एक्सेस वाटर कलेक्ट होता है। लेयर पॉइंट में कैसा है, पायरो हीट मतलब टॉप शील्ड प्राइमर होता है, वो एक टाइप का लेयर रहता है जो प्रॉपर एडहेशन
टॉर्च शील्ड मेम्ब्रेन तैयार करता है। लेयर 6 में प्रो टॉर्च शील्ड एंटी रूट मेम्ब्रेन रहता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पर रहता है। इसमें मॉडिफाइड बिटुमिन बेस्ड मेम्ब्रेन रहता है। इसमें मेनली कैसा गैस से हीट करके प्रो टॉर्च से उसका एडिजन एक्टिव होता है और ये स्टिक को पांचवी लेयर को स्टिक करता है। मेनली एंटी रूट मेम्ब्रेन ये बहुत ही सेफ है फ्रॉम रूट ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का यूज के लिए बहुत ही सेफ। सातवां लेयर है ड्रेन, ये प्रॉपर चैनल और एक्सेस वाटर जो भी है उसको निकालने के लिए और सॉइल में जो एक्सेस वाटर उसको निकालने के लिए बहुत ही प्रॉपर मोल्ड है। इसके सॉइल का फिल्टर भी होता है ड्रेन के लिए। जियो टेक्सटाइल फैब्रिक में क्या है, ये परमिएबल फैब्रिक्स है, ये भी यूज करते हैं मिट्टी अरे सॉइल के साथ उसका मिक्स रहता है और उनका कैसा है वो इसको उसका एबिलिटी ये रहता है कि वो सेपरेट फिल्टर रेनबोस प्रोटेक्ट ड्रेन क्लोज जो बहुत सेपरेट करते हैं फिल्टर करते हैं वाटर और रेनबोस ड्रेन क्लोजिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। टेरेस स्विमिंग, टेरेस मेनली क्या है कॉमन स्ट्रक्चर और कुछ लोग इसमें स्विमिंग पूल भी आजकल बनाते हैं और इसमें कैसा है ये वो थोड़ा बहुत क्रिटिकल। इसमें कैसा है ब्रिक बैट को और इस टेरेस स्विमिंग पूल पर भी ये सजेस्ट नहीं करते। मेनली रूफ कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट ग्राउंड और फ्लेक्सिबल वाटर प्रूफिंग सिस्टम्स, इसमें स्केच में दिखा है। टेरेस इसमें कैसा है, पहला लेयर है इपॉक्सी ग्राउटिंग जो सिंथेटिक थर्मोसेटिक पॉलीमर्स कंटेनिंग इपॉक्सी देता है, ये पूरा क्रैक्स भरता है और कॉर्नर्स में जो भी है वॉइड वो भरता है। दूसरा है प्राइमर, प्रोटेक्टिव लेयर रहता है वो फाउंडेशन प्रोटेक्टिव फाउंडेशन रहता है। तीसरा है फाइबर मेश, ग्लास बेस्ड फाइबर मेश रहता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, रिजिड रहता है और इसके लिए हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट ये बहुत ही यूजफुल। चौथा लेयर है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रूफ सीलिंग जो लिक्विड एडहेसिव बेस्ड सॉल्यूशन है, ये मेनली सूखने को एकदम हाईली इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा एक्ट होता है। पांचवा लेयर है प्लास्टर, प्लास्टर लेयर मतलब कंक्रीट ग्राउंड के ऊपर लगाते उसका प्लास्टर है। और छठा है 2-5 लेयर, ऊपर के जो भी 5 लेयर दिखाए उसका रिपीट करना मतलब सेकंड को। उसके बाद है टाइल्स, स्विमिंग पूल फ्रेंडली टाइल्स अकॉर्डिंग टू नीड, जो भी मतलब नीड के हिसाब से है वो टाइल्स लगाना पड़ता है। इपॉक्सी टाइल ग्राउंडिंग मतलब सिंथेटिक थर्मोसेटिक पॉलीमर्स कंटेनिंग इपॉक्सिड, ये लेयर जो रहता है क्रैक्स और कॉर्नर फील करते हैं। ब्रिक बैट कोवा के बारे में बात करेंगे, मेनली जनरली आप सब जगह देखा होगा रोप स्लैब जो रहते हैं वो RCC के ही रहते हैं, उसमें इंसुलेशन थर्मल कंफर्ट का भी जरूरत होता है और वाटर प्रूफिंग का भी जरूरत होता है लीकेज रोकने के लिए, और ये सब रोकने के लिए ब्रिक बैट कोवा ट्रीटमेंट करते हैं जो कॉमनली यूज किया जाता है। इसमें कैसा है कोटिंग ऑफ वन रूफ टॉप मतलब ऊपर का जो कोटिंग रहता है उनका ये उसको पूरा सरफेस क्लीन किया जाता है हार्ड वायर ब्रश से और पानी से धोया जाता है। उसके बाद जो सरफेस पानी ऑयल ग्रीस या डस्ट से फ्री रहता है उसको पूरा क्लीन करके नीट और पानी से धो के उसको एक बार चेक करते हैं, उसके बाद एक्सपंज जॉइंट जो भी है उसको भी चेक करते हैं और टोटली नॉन स्ट्रक्चर जो 0.5 mm वगैरह रहते हैं वो या फिर वी शेप क्लीन पूरा वायर ब्रश इसे क्लीन करते हैं। ये पूरे क्रैक्स पॉलीमर और मॉडिफाइड सीमेंट से और मोटर से एक्रेलिक से भरते हैं और इसके बाद कई कई जगह सीमेंट स्लरी एडिशनल करके स्प्रेड किया जाता है और पूरा रूफ सरफेस उसमें क्रैक्स में सीमेंट स्लरी डाल के जहाँ जहाँ क्रैक्स है पूरा फिलअप करते हैं। टोटल 15 mm थिक सीमेंट एंड मोटर और 1:1:4 एडमिक्स वाला विथ वाटर प्रूफ पूरा ले करते हैं स्लैब के ऊपर। इसमें स्केच दिख रहा है, देखिए ब्रिक बैट कोवा का
ब्रिक बेड लिंक। इसके बाद कैसा है, ग्रीन मोटर जो पूरा स्लैब पर डाला उसके ऊपर ब्रिक बैड्स का ले करते हैं, ये पूरा ओवरनाइट इन्वर्टर, मतलब जो भी ब्रिक्स पानी में एक नाइट से ज़्यादा रख के पूरा पानी अब्सॉर्ब होने के बाद वो पूरा ब्रिक्स डालते हैं, उसमें एवरेज थिकनेस 110 mm से 70 mm तक, 110 mm तक डालते हैं, और 70 mm का जहाँ रेन वाटर पाइप वगैरह है वहाँ डालते हैं, और जहाँ रीच है वहाँ 150 mm का रखते हैं। तो गैप जो रहता है ब्रिक बेड का जनरली 15 से 20 mm के बीच में रहता है, ये गैप बाद में सीमेंट मोटर से भरते हैं, इसमें वाटर प्रूफर एडमिक्सचर भी यूज करते हैं। मेनली हॉट और ड्राई वेदर में सरफेस जो भी है तो वेट गनी बैग से कवर करते हैं फिनिशिंग होने के बाद, और इसमें क्यूरिंग बहुत ज़रूरी है, क्यूरिंग ब्रिक बेड को होने के बाद फिनिशिंग होने के बाद नेक्स्ट डे क्यूरिंग बहुत ज़रूरी है, मिनिमम 7 days क्यूरिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। फिनिशिंग लेयर, ये टॉप फिनिशिंग लेयर जो भी रहता है फिनिशर वाला, ये B70 का सीमेंट मुसन मोटर का 1:4 एडमिक्स विथ वाटर प्रूफर रहता है, इसमें लिक्विड एडमिक्सचर भी यूज़ किए करते हैं पानी में। इसके बाद जो सरफेस ग्रीन आता है फिनिशिंग वाला, उसको 300 mm फॉर स्क्वायर से हम लोग टाइल्स बनाते हैं, जो 300 by 300 का टाइल्स बनाते हैं, और क्यूरिंग बॉन्डिंग करके पूरा क्यूरिंग करते हैं। इस साइड में दिख रहा है ये तो सरफेस है, पूरा ही टाइल्स से बनाया हुआ है, इस तरह से ये तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।